नमस्कार, मैं रीन कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ के बेमतरा जिला के ग्राम पिरदा स्थित फैक्ट्री में ब्लास्ट को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर सवाल उठाया है। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि बेमतरा ब्लास्ट किसकी गारंटी और किसके सुशासन में गुनहगारों को संरक्षण दिया जा रहा है? सत्ता के किस करीबी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? जवाब तो देना होगा। बघेल ने 5 सवाल किया है, साथ ही उसका जवाब भी मांगा है। उन्होंने लिखा है कि इस दिल दहला देने वाली घटना में मृतकों के शरीर के चीथड़े उड़ गए हैं। शरीर के अंगों को पॉलिथीन में जमा करके डीएनए जांच के लिए भेजा गया है, लेकिन इतने भयावह हादसे के बाद अब तक एफआईआर नहीं हुई है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, सीएम साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के दो बड़े कारोबारियों को मारने आए लॉरेंस और अमन गैंग के लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक बहुत बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है, जिससे कि राजधानी रायपुर में होने वाली एक बड़ी अनहोनी टल गई है। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि हम बधाई देने चाहेंगे कि हमारे पुलिस के जवानों को, जिन्होंने एक अनहोनी घटना को टाल दिया है, उसको समय रहते पर्दाफाश किया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि जब से प्रदेश में हमारी सरकार आई है, तब से सब कुछ ठीक चल रहा है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ शहर के मध्य में स्थित बस स्टैंड पर भीषण आग लग गई। बस स्टैंड के पास बिजली ट्रांसफार्मर में आग लग गई। ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद आसपास की जमीन पर आग लग गई। घटना के बाद शहर की बिजली गुल हो गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा। देर रात तक आग बुझाने की कोशिश की गई। भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा हुआ। सिटी कोतवाली पुलिस भी घटना पर मौजूद रही। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, जगदलपुर के कोंडागांव जिले के ग्राम मोहलई में रहने वाले सेवन राठौर की 7 वर्षीय बच्ची को सोने के दौरान एक सांप ने पैर में काट लिया, जिसके बाद बच्ची को बेहतर उपचार के लिए कोंडागांव जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे मेकान रेफर किया गया, जहां उपचार मिलने से पहले ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पीए करा के परिजनों को सौंप दिया है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, आज नौतपा का 4th दिन है और राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर के जिलों में तेज धूप के साथ भीषण गर्मी पड़ रही है। इस महीने के आखिरी तक रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में लू की संभावना है, साथ ही अधिकतम तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार को प्रदेश में सबसे गर्म बेमतरा जिला रहा है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज चैनल। नमस्कार।